Very good morning, children. Most welcome in this English class. Today we learn about animals, their babies, and their houses. This is bear. Bear means bhalu, right? Bhalu. And the babies of bear are known as cubs, right? Yes, sir. And the house in which they live is known as a cave. Understood? Yes. यानी भालू के बच्चे को कब्स कहते हैं और भालू और उसके बच्चे जो जिस घर में रहते हैं उसे केव कहते हैं, सी ए वी. इसकी आकृति ऐसी है. दिस इज केव, राइट? सी ओ डब्ल्यू काउ. काउ मीन्स गाय. और उसके बच्चे को काफ कहते हैं, सी ए एल एफ, काफ. अब आप सोच रहे हैं गाय का घर कैसा होता है, तो इसे ऐसा होता है, इसे कहते हैं काउ शेड. देखो ये काउ शेड है, गाय के घर को काउ शेड कहते हैं, सी ओ डब्ल्यू एस एच ई डी, काउ शेड इसका स्पेलिंग है. थर्ड, सी ए टी कैट. कैट मीन्स बिल्ली. बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? कीटेंस. कीटेंस. और कीटेंस देखेंगे यहाँ कितने रखने के, उसका जो घर है वो कीटेन का बास्केट है, ऐसा रहता है. इस तरीके से हम लोग आगे सीखेंगे हॉर्स के बारे में. हॉर्स मतलब घोड़ा. घोड़ा के बच्चे को कहते हैं कॉल्ट भी और फॉल भी कहते हैं, एफ ओ एल, फॉल. इसके रहने का घर स्टेबल है, एस टी ए बी एल, स्टेबल. ये घोड़े का रहने का घर है, स्टेबल. उसके बाद हैन, एच ई एन, हैन माने मुर्गी. मुर्गी के बच्चे को चिक कहते हैं, सी एच आई सी के, चिक मीन्स मुर्गी का बच्चा. और ए सी डबल ओ पी, कूप. उसके जिस घर में मुर्गी रहती है उसको कूप कहते हैं, उसकी आकृति ऐसी होती है. देखें उसके बाद है डॉल्फिन. डॉल्फिन मछली है, जिसे आप देखें पप, इसके बच्चे को पप कहते हैं. और वो कहाँ रहती है, तो उसके रहने का घर जल है. इस तरीके से आपने सीखा. और अगले कड़ी में आप और पशुओं के बच्चों के बारे में और घर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. आज के लिए यहीं पे इस कक्षा को समाप्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच.